सो वेलकम स्टूडेंट्स इन IMS ऑनलाइन कोचिंग क्लास। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला टॉपिक वो है क्रैमर्स रूल के रिलेटेड जो एक्टिविटीज है आपके पेज नंबर, आप देख रहे होंगे 14 नंबर के पेज नंबर पे, उस एक्टिविटी के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैं आपको समझा के दूंगा कि कैसे हो रही है, एंड ये एक्टिविटीज एग्जाम में दरअसल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख रहे होंगे वाई प्लस टू एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0, इसको मैं लिखूंगा कैसे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मेरे को तो वाई प्लस टू एक्स ये माइनस 19 उधर जाएगा और यहाँ प्लस। एंड अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेकंड इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y, एंड ये प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ ये दो इक्वेशन को किससे, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं c1 ले लो, एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर मैं इस इक्वेशन से इस दोनों को कंपेयर करूं तो देखो क्या आता है, यहां से जो a1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां पे देखो a1 मतलब x का कोएफिशिएंट, और यहां पे जो x का कोएफिशिएंट हमारा वो है हमारा 2, क्या है हमारा 2। तो ये 2 को मैं क्या करूंगा, a1 की जगह लिखूंगा। यहां से अगर मैं b1 की बात करूं तो b1 यहां से मुझे मिलेगा, देखो y का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 1 है, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा घुमा दिया है, पर यहाँ पे 2x एंड y ऐसा नहीं जरूरी क्योंकि पहला यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख लेना, x का कोएफिशिएंट मतलब a का बंदा और y का कोएफिशिएंट मतलब b का बंदा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड बात करें हम a2 की तो a2 यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं a2 मुझे ये सेकंड इक्वेशन को देखना है, a2 यहाँ से मुझे मिलेगा 2 और b2 मुझे मिलेगा यहाँ से, b2 मुझे मिलेगा यहाँ से, देखो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3, ठीक है। एंड अगर मैं c1 और c2 की बात करूँ तो c1 यहाँ से मुझे मिलेगा 19, एंड अगर मैं C2 की बात करूँ तो मुझे मिलेगा -3, ठीक है। ये सारे वैल्यूज को हम डाल देते हैं इसमें, सबसे पहले तो मैट्रिक्स देखते क्या है, तो यहाँ पे देखो A1 और A2 आता है, तो A1 क्या है यहाँ पे आपका 2, ठीक है, यहाँ पे A1 क्या है आपका 2 है, एंड A2 क्या है यहाँ पे A2 आता है, ठीक है। आपको ये जनरल मैट्रिक्स पता है, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, डी की मैट्रिक्स होती है आपकी A1 B1 A2 B2, ठीक है, यही मैं डाल रहा हूँ। देखो A1 क्या है यहाँ पे 2 है, एंड B1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और बाकी अगर मैं इसका क्रॉस करूँ तो देखो 2 × -3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 क्योंकि मैंने आपको क्रॉस सीखा है, ऐसा क्रॉस होता है 2 × -3, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूँ तो क्या हो जाएगा -3 × 2 क्या हो जाएगा -6, एंड यहाँ से हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा -8, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, एकदम इसी था -8। अब बात आती है इसकी, तो देखो dx की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा c1 एंड c2, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा c के टर्म्स एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको y के टर्म्स, क्योंकि आप x निकाल रहे हो, मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है। तो यहाँ पे 19 है, तो 19 आपका क्या है c1 है, एंड c2 क्या है यहाँ पे, देखो c1 19 है तो c2 क्या है आपके पास -3 है, ठीक है, एंड y के कोएफिशिएंट मतलब b का कोएफिशिएंट, तो -3 तो दिया है बट आपको b1 लेना है, तो b1 यहाँ पे क्या है y, तो पोजिशन वाइज सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो 19 × -3 हो जाएगा, ये 19 × क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, देखो 19 × -3 किया तो यहाँ पे क्या आएगा -3 × 1, तो -3 × 1, सिंपल है, ठीक है, -3 × 1, ये आपको समझ गया। बट इसका सोल्यूशन निकालने का 19 3 सा कितना होता है, तो 19 1 19 19 2 38, 19 3 19 3 होगा आपका, तो अगर आप बोले तो 57 होगा, राइट, क्या हो जाएगा 57, तो -57, अब बोलेंगे सर ने -57 के बोला, तो 19 × -3 हो रहा है, तो -57, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस को साइन दे दी मैंने, यहाँ पे मिलेगा आपको -3, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 57, तो ये कैसे हो रहा है आपका, देखो -57 और ये माइनस और -3, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो -57 + 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा -54, समझ गए, तो ये आपको समझ गया। अब बात आती है नेक्स्ट की डीवाई के, जब डीवाई की बात आती है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी के टर्म्स को देखूंगा, तो C1 मेरा क्या है, C1 मेरा 19 है, एंड C1 तो बात होंगी क्योंकि याद डीवाई के बारे में निकाल रहे हैं हम, तो डीवाई का तो वाई के पोजीशन में आपको C1 एंड C2 के वैल्यूज लिखने पड़ेंगे, तो C1 क्या है यहाँ पे 19 है, C2 क्या हो जाएगा आपका -3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x के कोएफिशिएंट्स, तो x के कोएफिशिएंट सबसे पहले A2 तो आपके पास दिया है, तो A1 क्या आपके पास 2 है, यहाँ से 2 आप डाल दो, ठीक है, तो क्या आपको पता है ये जो होता है क्या होता है A1 A2 और यहाँ पे क्या हो जाता है C1 C2 किसके केस में, DY के केस में, ठीक है, तो ये मैं डाल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × -3, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 2 × -3, एंड यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 × 19, ठीक है,
क्रॉस कर रहे हैं ना, क्योंकि आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो देखो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स होता है, एंड नाइनटीन टू का क्या होता है आप भी बताया था मैंने, 38 होता है। ठीक है, क्या होता है 38। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 44, सिंपल 38 प्लस 6 माइनस 44। एंड माइनस क्यों आया इसका रीजन बता देता, देखो बड़ी संख्या की जो साइन है वो क्या है माइनस है, तो माइनस 38 इसलिए वो माइनस 44 आ जाए। अब क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, क्रैमर्स रूल बोलता है मुझे एक्स एंड वाई वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की डी एक्स अपॉन डी करो आप एक्स के लिए और वाई के लिए डी वाई अपॉन डी करो, तो डी एक्स की तो हमारे पास अभी निकाली अपन ने क्या निकाली माइनस 54, तो डाल दो यहाँ पे क्या डाल दोगे आप माइनस 54 माइनस 54 एंड अपॉन डी है, तो डी क्या आपके पास डिटरमिनेंट आपने निकाला है क्या निकाला माइनस 8 निकाला है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा देखो 8 से तो डायरेक्ट 54 नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 7 14। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 27/4। क्या मिल रहा है आपको 27/4 मिल रहा है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे डीवाई की टर्म क्या आपके पास माइनस 44 है, एंड डी की टर्म क्या आपके पास डी की टर्म ये देखो डिटरमिनेंट माइनस 8 है, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से भी आपको फ्रैक्शन क्या मिलेगा देखो 4 2 8 एंड 4 11, तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 27/4 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 11/2, ये आपकी किसके वैल्यू है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपके ऑर्डर बेस जो हमको पूछा गया था, ये आपको निकालना था कि 22/7 and 11/2 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये एक्टिविटीज ऐसे करनी होती है और आपका लॉजिक बनाना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप हम देखेंगे 1.3 प्रैक्टिस सेट में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, तो और एग्जांपल्स लेने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या बोलती है, नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पता है आपको पेज नंबर, अगर आप देख रहे होंगे 15 नंबर का पेज नंबर, देखो आप वहाँ पे आपको कुछ ब्रैकेट्स बना के दिए, तो मैं भी बना देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ सके। ठीक है, यहाँ से टू सॉल्यूशन इसको कनेक्टेड है। ठीक है, टू सॉल्यूशंस कनेक्टेड है, एक ये सॉल्यूशन है और एक दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है आपका dx माइनस 2y = 3, सेकेंड सॉल्यूशन आपका 2x + y = 16। ठीक है, अभी बात आती है देखो 3x - 2y = 3 एंड 2x + y = 16 है, उसका क्या बोलना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन द गिवन इक्वेशन। आप ये सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व कर दे गिवन इक्वेशन, ताकि आपको समझे कि एक्टिविटीज को कैसे लिखना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, नहीं तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है। अभी देखो थ्री एरोज बना दिए उन्होंने, तो थ्री एरोज को पूछा है, सबसे पहले आपका डिटरमिनेंट का एरो है, उसके बाद आपका क्या का एरो है, उसके बाद है आपका डी एक्स का, उसके बाद क्या है आपका डी वाई, ये तीनों चीजें आपको पता है कैसे होता है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते, तो डिटरमिनेंट अगर मैं निकालू तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद डी एक्स निकालो तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, एंड डी वाई निकालो तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डी एक्स के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपेयर करना ये इक्वेशन को, इक्वेशन को कंपेयर करके आना चाहिए। यहाँ पे टू इक्वेशन है आपके, कौन से इक्वेशन है 3x - 2y = 3 एंड यहाँ पे 2x + y = 16, और यहाँ पे उन्होंने आई थिंक सो डिटरमिनेंट आपको दे दिया है, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए लगाया, तो 3 - 2। ठीक है, यहाँ से आपका 2 और 1, एंड अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा +4, यहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा। तुम बोलेगा सर 7 कैसे निकाला, देखो डायरेक्ट मैं बता देता आपको, देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज करके दे रहा हूँ। देखो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस आप पहले साइन दे दो, एंड यहाँ पे देखो 2 - 2 × 2 क्या हो जाएगा -4, तो ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो 3 + 4 और आंसर क्या मिल रहा है आपको 7 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 7। तो इसका जो आंसर आ गया तुम्हारा, इसका जो आंसर आ गया तुम्हारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया तुम्हारा 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है किसकी, डी एक्स की, तो डी एक्स के लिए मुझे दिए उसने क्या नंबर्स दिए 3 - 2 एंड 16 1, ये दे दिए नंबर्स।
अब ये अगर नंबर्स देखिए तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो कैसा बढ़ेगा देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करने का देखो 3 1 3 माइनस एंड यहाँ से आपको क्या मिलता है देखो 16 2 32 तो -32 ठीक है -30 एक चीज़ आपको समझ गया। तो -32 कैसे आया आपको पता है, -32 कैसे आया यहाँ से आप क्रॉस करके देखो 16 into -2 करें तो -32 आ गया। और यहाँ से अगर मैं लास्ट सोल्यूशन निकालू तो देखो कैसा आ जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो रहा है +32 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 35 क्या मिलेगा 35। तो आपको जितने भी ब्रैकेट दिए फटाफट भरते जाओ ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ। इसके बाद देखो डीवाई के टर्म है, तो डीवाई के टर्म अगर मैं बात करूँ तो डीवाई के टर्म में मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया है वो क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है 216 ये दे दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो कैसे आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो कैसे आ जाएगा 16 1 16 16 2 32 16 3 48 48 ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 48 और माइनस क्या आ जाएगा 3 2 6 तो 6 अगर मैं माइनस करूँ 48 में से तो मुझे क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 42 सिंपल आपको आता है। तो ये आपको क्या मिल गया 42 मिल गया, तो 42। उसके बाद अगर बात आती है ये तो अगर निकल गया आपने dx dy और d डिटर्मिनेंट जो आपको इंपॉर्टेंट होता है फॉर फाइंडिंग द क्रैमर्स रूल। अब बात आती है कि इसके बाद वाली प्रोसीजर क्या रहेगी, तो इसके बाद वाली प्रोसीजर क्या रहेगी देखो आपको पता है एरोस बना दिए उसने, तो यहाँ पे क्या बनेगा बाय क्रैमर्स, बाय कौन सा रूल क्रैमर्स, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है देखते हैं। क्रैमर्स रूल बोलता है कि भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा x और y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है dx upon d एंड मुझे y की वैल्यू क्या निकालने के लिए करना पड़ता है dy upon d। तो यहाँ पे dx upon d है तो dx की वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रही है आपको 35, यहाँ पे बना दिया मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको 35, dx वैल्यू क्या है यहाँ पे 35 है। यहाँ से अगर मैं 35 को उठा लूँ तो 35 अपॉन यहाँ से d की वैल्यू, d की डिटर्मिनेंट क्या है आपका 7 ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7 7 7 5 35 तो आंसर मेरा क्या आ रहा है 5 आ रहा है ठीक है। अगर मैं वाई डी वाई अपॉन डी की बात करूँ तो डी वाई मेरा क्या है 42 है, 42 अपॉन क्या हो जाएगा 7 7 5 35 7 6 42 तो 7 1 7 7 6 42 तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x और y के ऑर्डर पेयर्स मेरे क्या आ जाएंगे, x और y के ऑर्डर पेयर्स मेरे क्या आ जाएंगे यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएंगे। तो 5 और 6 आपके ऑर्डर पेयर्स आ गए ये ग्रामर रूल से सॉल्व करने के बाद। तो आपके जो भी ब्रैकेट से फटाफट भरते जाइए और ताकि आपको यहाँ से भी आई थिंक सो ब्रैकेट है, यहाँ भी आपका ब्रैकेट है, यहाँ भी आपका ब्रैकेट है और यहाँ भी आपका ब्रैकेट है और ये वैल्यू निकलने के बाद भी ब्रैकेट है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ है, इसको एक्टिविटीज़ बोलते हैं कंप्लीट द एक जो आपके बॉक्स है तो उससे कंप्लीट करना पड़ता है। आई होप सो ये आपको समझ गया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था और प्रैक्टिस से 1.3 में आपको और अच्छे से समझना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक्टिविटीज़ ऐसी होती है सॉल्व करने का तरीका होता है ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट उसने क्या बोला है ठीक है, उसने नेक्स्ट बोला है देखो उसका बोलना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इफ d इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा होगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कब जब d इक्वल टू 0 दे दिया, तो d इक्वल टू 0 देने के बाद आपको नेचर बताता है इसका कैसा होता है। देखो अगर आपका डिटरमिनेंट, अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब क्या डी के वैल्यूज अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ, तो डी के वैल्यूज अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ a1 b1 a2 b2 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसा हो जाएगा, क्रॉस करना होता है ना, यहाँ से हो जाएगा a1 b2 - a1 b2 - a2 b1 ठीक है a2 b1। तो देखो अगर उसका क्या बोल रहा है, ये डिटर्मिनेंट है, अगर इसका आंसर जीरो आ जाता, इसका आंसर जीरो आ जाता तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, तो मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज होती है आपको पहला नंबर वन, आपको यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होता है ठीक है, ये आपको पता है जब आप ग्राफ बना देते ग्राफिकल मेथड से, नॉट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन
नॉट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको पहला तो क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देता। फिर देता क्या है? इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन है, इट गिव्स आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, नहीं तो ये देगा नो सॉल्यूशन। तो ये दो फंडे आपके दिमाग पर रखना है। इफ इट मुझे पता है इसको एक्स के वैल्यूज मुझे यहाँ लिखने होते हैं और वाई के वैल्यूज यहाँ पे, तो मैं देखो 2, 1 एंड कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 और -5। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो कैसे आता है, यहाँ पे हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। माइनस तो ऑलरेडी देना पड़ता है आपको, डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखो -4 × 1 -4, यहाँ से सॉल्व करना -4 + 4, तो यहाँ से आपका 0 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है आपको, डी के वैल्यू क्या मिल रही है आपको, डी के वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और मैंने आपको बोल दिया था कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया भी था इसके पहले, इसका टेबल समझा के बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये तो आपको कोइंसाइड लाइंस देना, कोइंसाइड लाइंस मैंने आपको बताया था कैसा आता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, एक लाइन पे अगर फॉर एग्जांपल ये आपके टू लाइंस है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ग्राफ, मैं ऐसे एग्जांपल की ओर से बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको इसी ग्राफ से ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे अगर आपका पहली लाइन होगी a1x + b1y = c1, यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन होगी a2x + b2y = c2। ये दोनों भी लाइन ना एक ही इस पे आती है, उसे बोलते हैं कोइंसाइड। मैंने आपको ये बताया था कोइंसाइड लाइंस। और यहाँ पे जो मिलते हैं मुझे, वो मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट, जितने मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। इसलिए यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि जो कोइंसाइड लाइंस होते हैं वो दोनों भी लाइन एक साथ मिल जाती है, ठीक है, इसलिए उसे कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं। और ये इक्वेशन आप सॉल्व करके देखना, इसका ग्राफ बनाना और इसका ग्राफ बनाने का मुझे भेजना और बताना कि ये कोइंसाइड है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ये एग्जांपल। अगर आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो ये कंडीशंस होते हैं, एक तो क्या देगा, एक तो देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नहीं तो देगा नो सॉल्यूशन। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको उसके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तभी हम प्राइमरी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। मैं इसको आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है। अभी बात आती है, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात थी। अगर आपको कुछ और दे दिया इक्वेशन और उसका बिहेवियर पूछा, ठीक है, अगर उसका बिहेवियर पूछा है तो देखो यहाँ पे ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको ग्राफ से भी समझा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2x - y = अगर आपको दे दिया 2x - y = -1 एंड 2x यहाँ पे आपको दे दिया 2x - y = -4। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूँ तो डिटरमिनेंट से आपको सारे जो होता है उसका आपको निकालना पड़ता है कि कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 2, 2, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखना पड़ता है एंड वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है और -1 है। तो अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये 2 × -1 - 2, यहाँ पर क्रॉस करूँ माइनस के साइन पहले देखो यहाँ पर हो जाएगा -2, तो यहाँ जाएगा -2 + 2 और यहाँ से आ जाएगा 0। एंड यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया और ये आपको नो सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? नो सॉल्यूशन। आप बोल रहे हो सर डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको बोलता कि इसका ग्राफ पे ड्रॉ करके देखो, इसको ग्राफ पे मैंने ड्रॉ करके देखा है इसको ग्राफ, और बोलेंगे सर फिर पॉइंट्स को सिलेक्ट दे, मैंने आपको जो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स लेके दिए थे वो पॉइंट्स को यूज़ करके आप यहाँ ये भी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन ही मतलब ही नो सॉल्यूशन मतलब इसके लाइंस कैसे है, इसके लाइंस है पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर नो सॉल्यूशन है मतलब इसके लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नो सॉल्यूशन देता है मतलब उसके लाइंस कैसे है, पैरेलल लाइंस है। अगर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है मतलब उसके कैसे है, कोइंसिडेंट लाइंस है।
ऐसे लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, तो जब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता है, बट वो पैरेलल लाइन्स की बात करता है, मतलब वो सॉल्यूशन है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बना के देखो और मुझे भेजो और बताओ कि ये ग्राफ अब मैं जो बोल रहा हूँ कि वो नो सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको चेक करना है, ठीक है, ये बात है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जाके आपको कंफ्यूज कर सके, तो आपको समझना है डायरेक्ट, नॉट गिव यूनिक सॉल्यूशन व्हेन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, नॉट गिव यूनिक सॉल्यूशन इफ द डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, देन द टू पॉसिबिलिटीज इज अराइज, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा नहीं तो नो सॉल्यूशन देगा, ये समझना चाहिए, ठीक है। अब पेज नंबर बात करते 16 नंबर की, उसने क्वेश्चन किया है अपने को, क्वेश्चन किया उसने कि भाई अगर आपके पास बोला है उसने व्हाट यू कैन से अबाउट If about lines, if common solution is not possible, what can you say? क्या बोल सकते हो आप कि lines अगर आपको common, वो अगर दो lines दिया आपको, अगर वो उसका common solution नहीं दे रहा है, common solution मतलब unique solution, उसका क्या बोलना है? अगर आपका ऐसा कुछ graph है, अगर आप ऐसा कुछ graph बनाते हो, तो यार आपको unique solution मिल रहा है, ठीक है, common point बोल रहा है, common point। अगर ये common point आपको नहीं दिया जाए, अगर नहीं मिल रहा है आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो मैं बोलूँगा भाई उसको क्या बोलना है, उसको तो यही बोलना है, एक तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक तो पैरेलल हो जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक तो हमको क्या दे देगा, एक लाइन दे देगा जिसमें दोनों भी इक्वेशन आ रही है, कौन से a1x plus b1y equal to c1 and यहाँ पे a2x plus v2y equal to c2, एक तो ये एक लाइन पे सारे सॉल्यूशंस दे देगा, नहीं तो वो एक तो पैरेलल पे दे देगा, ये पैरेलल है, राइट पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन। एंड अगर आपको ये दे दिया तो यहाँ पे क्या दे देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ये दो चीज़ आपको समझना चाहिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे दे देगा नो सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे यूनिक उसका क्या बोलना है कि ये कॉमन पॉइंट अगर आपको नहीं दिया तो आप क्या बोल सकते हो, एक तो बोल सकते हो नो सॉल्यूशन, नहीं तो बोल सकते हो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशन का मैंने बताया था क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस राइट, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अच्छे से नोटिस करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप सो ये जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ गई होंगी, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर आपको कुछ लगते हैं एक्स्ट्रा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। 1.3 में कुछ क्वेश्चंस करके दूंगा मैं, पूरे नहीं करके दूंगा क्योंकि पूरे करने के बाद मुझे पता है क्या होता है, आप नहीं कर पाते हो और वो सॉल्यूशन छाप लेते हो, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करके दूंगा। आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन करके दूंगा दो तीन जो भी है, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करके देखना है, और फिर उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। ये था थोड़ा जो मैंने बताया, एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी को समझा हमने, एंड जो क्वेश्चन उसने किए थे दो क्वेश्चन, एक व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन बी इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड उसने क्वेश्चन किया था कि व्हाट यू कैन से अबाउट लाइंस इफ द कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो आप क्या बोल सकते, एक नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कोइंसाइड लाइंस, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इतना ही है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और सेवरल टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।